खबर बिहार के बक्सर से है, जहां पर ब्रह्मपुर प्रखंड के जवही दियर दुसैया डेरा में 6 फीट जमीन के मामले में अभी तक दीपक चौबे को न्याय नहीं मिला। ब्रह्मपुर थाना के अंतर्गत जवही दियर दुसैया डेरा के दीपक चौबे को 6 फीट जमीन को लेकर कोर्ट में लगभग 4 वर्षों से टाइटल सूट किए हैं। न्यायालय के द्वारा उन्हें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला और न ही प्रशासनिक मदद मिल रही है। जवही दियर में ब्रह्मपुर प्रखंड के, और आइए जानकारी लेते हैं इनका मामला क्या है। बहुत दिनों से, सन 2018 से लेकर 2022 तक ये उलझन में है और जमीनी विवाद 6 फीट के लिए जमीनी विवाद की लड़ाई है। आइए जानकारी लेते हैं इनसे कि मामला क्या है। आपका परिचय? जी, मैं दीपक कुमार चौबे, पिता स्वर्गीय श्री राम जी चौबे का पुत्र हूँ मैं। मेरा यहाँ पीछे जमीन है 6 फीट, जो ये जबरन बलपूर्वक कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है? श्रीकांत चौबे, पिता स्वर्गीय शिव जोगी चौबे। ये कौन है आपके? नहीं, हमारे शुरू में हम लोग जो भाईचारे के हिसाब से 1.5 फीट ही मांग रहे थे, लेकिन 30 इंच, लेकिन यह नहीं दिया। ये बोला कि तुम्हारे घर में 3 फीट और अंदर जाएगा और तुम आओगे तुम्हें मारेंगे। हम लोग बलपूर्वक उस पर कब्जा करने लगा, तो हम लोग फिर मुखिया जी के पास गए कि नापी करवा दीजिए। तो उनके सामने यह स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन नापी के समय एन वक्त पर भाग गया कि मैं नापी नहीं होने दूंगा। श्रीकांत चौबे कौन है? श्रीकांत चौबे हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे घर के पीछे रहते हैं। ये शिव जोगी चौबे के पुत्र हैं। शिव जोगी चौबे के पुत्र हैं, मतलब आपके रिलेटिव में क्या लगते हैं? नहीं, ये गाँव में, हमारे गाँव में रहते हैं, गाँव के जैसे सभी हमारे आगे पीछे हैं, तो मान नहीं रहे आपकी बातों को। नहीं माने, नहीं माने तो पंचायत की बातों को मानो, माने उन्होंने? नहीं माना उन्होंने, जिसका एक प्रतिलिपि पंचायत राय है। हाँ जी, तो वो आते हैं, ये लोग काम करते हैं, वो आके रुकवाते हैं, रुकवाने जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं उधर नहीं जाऊंगा, मुझे मारेंगे सब। हाँ, मुझे भी मारने लगेंगे सब। मैं जाकर साहब से बोलता हूँ कि बना रहे हैं सब, और साहब वहाँ पर सुन लेते हैं। उसके बाद चौकीदार के बाद कोई नहीं आता है। जब हम लोग थाने पर जाते हैं, ये जो 6 फीट जमीन का जो आप लोगों का लड़ाई है जी, उनके साथ जी, तो वाकई में ये जमीन आपकी है ना उनकी है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। इस जमीन के लिए जब ये जबरन बनाने लगे 144 धारा का उल्लंघन करके और कोरोना काल के दौरान, हमने पूछा कि ये जमीन, मेरी बात सुनिए, ये जमीन किसकी, आपकी है ना उनकी है? ये मेरी है। आप करके निकाल दिया। आप मतलब आप खाता खतौनी में आपके नाम से है जी, इसका रसीद आपका कटता है जी, इस बार में, इस साल में कटा है ना करेंट जी, जी। उसके बावजूद भी वो बलपूर्वक और धमकी देकर, मतलब आप कहते हैं कि वो हमारा है। हाँ, वो कहता है हमारा है और 3 फीट तुम्हारे अंदर जाएगा। जिसके लिए कोरोना काल में जब कोर्ट स्थगित था, तो हमने डीएम साहब और एसपी साहब के माध्यम से, हमने एसडीएम साहब के द्वारा नोटिस दिया गया कि जब तक इसके नापी ना हो जाए तब तक कार्य पूरा नहीं। अब ये कंफर्म नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि हम लोग इनसे क्या संपर्क करके। तो आप हमारे मीडिया से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से यह सूचना आप एसपी साहब, डीएसपी साहब और आप जो है थाना प्रभारी को यह दीजिए कि जब कोर्ट का भी आदेश आ गया, इसके दौरान भी अगर ये रात को काम करते हैं, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि दोनों पक्षों के सामने, दोनों पक्षों के वकीलों के और हमारे समक्ष, उनके समक्ष कोर्ट ने यथास्थिति लगाकर और हमारे वकील को बोला है कि मजिस्ट्रेट द्वारा नापी होगी, इसके लिए पटिशन डालिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इनका अभी नियम चिल्ला कर बोल रहे हैं कि चले जाओ, बनाना शुरू करूँगा, कोर्ट का कुछ नहीं जानता हूँ। रात में वहाँ कल रात की बात है कि गमला वमला लेकर वहाँ पर पता नहीं क्या कर रहा है लोग, क्या कर रहा है लोग, प्लास्टर कर रहा है लोग, और हमारी इतनी ताकत नहीं कि उनके पास जाए, सीधे बंदूक और लाठी डंडा लेकर तैयार हो जाते हैं सर कि जियो। और इसका भाई मेरे को बोला अगर तुम जियोगे, जिंदा रहोगे तभी तो घेरोगे, मतलब मारने की धमकी आपको देते रहते, जिंदा रहोगे तभी तो घेरोगे। और हमने पूर्ण रूप से कानून का, जिस तरह से प्रशासन ने मुझे बोला उसी तरह से हम लोग चल रहे हैं। प्रशासन का मतलब ब्रह्मपुर थाने का आपको सपोर्ट नहीं, 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 सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं अभी पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, वो केवल कानूनी जाल में मुझे फंसा दे रहे हैं। अगर कानून की प्रभारी सर ने कानून मेरे लिए बना रहे हैं कि कानून आपके लिए कागज लाओ, सीओ साहब के लाओ, नाप करके दिखाओ, चिन्हित करो, यही चीज उस पर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास तो कोर्ट का नकल भी, उनके पास चिन्हित है, कागज है, उनकी यहाँ तक पड़ती जमीन पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बक्सर से राकेश पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।
खबर बिहार के लखीसराय से है, जहां पर श्रावणी मेले में दूसरी सोमवारी पर आज सुबह से ही ऐतिहासिक अशोक धाम मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ बाबा मंदिर में जलार्पण के लिए उमड़ पड़ी। भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज जब प्रातःकालीन श्रृंगार पूजा के बाद जलार्पण शुरू हुआ, भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए और भक्तों को जलार्पण में कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने भी व्यापक प्रबंध किए हैं। सोमवारी के विशेष महत्व के कारण आधी रात से ही कांवरिया जलार्पण के लिए कतारबद्ध होने लगे थे। सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल की अब व्यवस्था की गई थी, साथ ही मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसे किसी प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। लखीसराय से कुमार हिमांशु की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।